तो मुझे ये सपना आया दिन में, वो भी दिन के टाइम, और पता नहीं एक दिमाग को बना ना, लाइक इफ यू यू सीन समथिंग इन ड्रीमिंग, लाइक दिन में मॉर्निंग में, इट मीन्स समथिंग इज देयर, समथिंग इज लाइक सेंडिंग यू मैसेज. तो मुझे दिख रहा है कि नहीं, साईं बाबा हैं और मुझसे कुछ कहना चाह रहे हैं. वो मुझे दिख नहीं रहे, आई आई कॉन्ट सी हिम, बट वो किस रूप में दिखे, किस शेप में दिखे ये नहीं, बट जैसे फील हुआ कि मतलब कुछ मेडिटेशन, कुछ ऐसे दो तीन कीवर्ड्स ध्यान थे. मतलब जब मैं उठी ना, तब मुझे वो वाला चीज ध्यान था, तो मुझे बहुत खुशी हुई. क्योंकि जब मैं बहुत पागलों की तरह, मतलब साईं बाबा को मैं ऐसे मानती थी ना कि वो मुझे ऐसे कुछ ऐसे ओल्ड ऐसे फिगर में, वो मुझे कभी कभी ऐसे सपने में ऐसे लगता था कि हाँ ये साईं हैं, ये मेरे हैं. या आप बिलीव नहीं करोगे, कुछ ऐसी परेशानी वाली सिचुएशन आई तो मुझे तुरंत हिट करेगा, मैं उनका नाम लूंगी कि प्लीज हेल्प मी, या फिर आप मेरे साथ हो, या मुझे हिम्मत दो ऐसे करके. तो दैट डे आई थिंक 1 या 1.5 दिन पहले की बात है, आई रियली फेल सो हैप्पी कि जबकि ना मैं उनके बारे में सोच रही थी ना कुछ था, बट आई थिंक समथिंग मे बी, शायद जो मेरा कनेक्शन अभी धीरे धीरे कम कर लिया है, मैं उतना याद नहीं करती हूँ, जो भी आई थिंक इट वॉज समवेयर टेलिंग मी कि मैं हूँ, मेरे को याद करो करके, समथिंग लाइक दैट. सो यस, दिस इज व्हाट आई नो. बहुत ही अच्छा सपना, बहुत ही अच्छा। मैंने भी बताया ना कि बहुत, मतलब जब ऐसा सपना आता है ना कि आउट ऑफ द ब्लू, तो आप है ना इस चीज को ना, मतलब वैसे तो बोलते हैं कि मतलब सपने को एनालाइज ना करो, पर इस चीज को आप है ना लो कि मेडिटेशन 5 मिनट जो भी आपका रूटीन में बैठता है आप करो उस मेडिटेशन। और इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस कि मेरे को भी ऐसा एक अच्छा सपना आया और आपको भी आया। एंड साईं बाबा हैज बीन, लाइक मैं बता सकती हूँ कि इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस कि आप मुझसे बात कर रहे हो। अब मेरे को फुल्ली पता है कि साईं बाबा ने आपको मेरे पास भेजा है या मुझे आपसे मिलाया है, क्योंकि साईं बाबा हैज बीन माई गार्डियन एंजल। और फॉर लाइक आई थिंक जब मैं 5 साल की थी, मेरे पापा हमें शेगांव लेके गए थे। शिरडी, शेगांव हाँ शिरडी, शिरडी नहीं, हाँ शेगांव है, अच्छा, शेगांव। शेगांव गए थे, शेगांव हाँ शेगांव तो का मंदिर भुसा, है. हाँ हाँ भुसावल से हाँ वो हाँ नजदीक हाँ है। हाँ शिरडी मेरे मम्मी पापा गए थे, हाँ मैं शिरडी नहीं गई हूँ। बट शेगांव में या तो वो रहते थे या वो कुछ साल रहे हैं, ऐसा कुछ था। तो और हाँ मंदिर है शेगांव में उनका। तो मुझे पता नहीं क्यों उस दिन से, मतलब ऐसा लगता है कि मैंने उनको वहां देखा है। मतलब आई हैव नो आइडिया, रिकलेक्शन, आई वॉज लाइक 5 years ओल्ड। हाँ बट वेन आई वॉज इन स्पिरिचुअलिटी ही इज ऑलवेज देयर। मैं आंखें बंद करूँ तो वो होंगे, इस तरह से। मतलब मेरा ध्यान, मैंने पूरे दिन भर शायद उनको याद नहीं किया है, बट जैसे ही मैं करूंगी तो उनकी इमेज मेरे सामने आएगी। इस तरह से मैं बोलती हूँ कि वो मेरे साथ होते हैं। इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस कि आपको वो सपना आया है। और मैं नहीं, मतलब दूसरी, मैं आपकी आपकी बात से ना, मुझे मेरी चीज याद आ रही है, बिकॉज मैं ना बहुत अलग तरीके की लड़की थी. मतलब हमेशा मस्ती करना, खेलना, और मुझे क्या होता था, मेरे पापा गायत्री परिवार से बिलोंग करते थे, तो उनको ऐसे लगता था नवरात्रा के समय यू डू गायत्री चालीसा. मतलब उन्होंने कभी मुझे फोर्स नहीं किया कि तुम ये पूजा करो, हमारे यहाँ ऐसा कभी भी एनवायरमेंट नहीं था, बट ही यूज टू फील कि दिस इज लाइक अ थिंग, एंड ही यूज टू डू नवरात्रा में गायत्री चालीसा एंड ऑल. सो ही वॉज लाइक कि तुम करो, आई थिंक दैट विल गिव यू लाइक पीस एंड लाइक ऐसा. बट मैं तो सोती रहती थी. मतलब क्या होता था, वो सिखाते थे कि एक किया, उसके बाद वो एक मैचस्टिक्स को रख दिया गिनती करने के लिए, तो मैं जस्ट ऐसे ऐसे करती रहती थी, करती नहीं थी, एंड आई यूज टू फील अंदर से गिल्ट. सो मेरा ब्रदर, सो वी आर 3 सिबलिंग्स ना, मैं सबसे बड़ी हूँ, मुझसे छोटी सिस्टर है, मेरे से छोटा भाई है. सो भाई के बाद ऐसे पापा का था कि अगर ऐसा है तो मैं आऊंगा आपके दर्शन करने. तो हम गए थे जब मैं 10th क्लियर किया था. आप बिलीव नहीं करोगे अनु, मेरे को उनके मंदिर में जाके लगा क्यों बोलते हैं भगवान जी साईं बाबा को, मेरे को कोई फीलिंग ही नहीं आया बिल्कुल. मैंने कहा ये इतना भीड़ है, और वो क्या कौन सा कोई गांव है पास का, वहां से मॉर्निंग में बहुत सारे, मेरे पापा का था कि मॉर्निंग आरती में जाएंगे, वो काकड़ आरती है, वो जाने ही है उसमें. एंड आई वाज लाइक पीसफुली चलते हैं, बट ही वाज लाइक नहीं, मुझे तो वही आरती के दर्शन करना है. सो मेनी पीपल लाइक कमिंग विदाउट टेकिंग बाथ एंड मॉर्निंग में आए, देन आई वाज फीलिंग सो सफोकेटेड. मैंने कहा आप क्यों ले, मतलब मैं बहुत इरिटेट हो रही थी. और एक टीनेज में क्या होता है ना, इंसान अपनी दुनिया में होता है, तो अलग ही नेचर था मेरा.
बट यू वोंट बिलीव, जब मैं द्वारका माई गई और वहां बैठी एंड जो मुझे कनेक्शन फील हुआ, मुझे उठने का ही मन नहीं किया वहां से। एंड दैट वाज द प्लेस जहां से मुझे, मतलब मुझे अभी भी गूज बम्स आते हैं, मुझे कुछ तो हिट किया वहां पे। वो क्या था मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं मंदिर में खड़े होकर बोल रही थी क्या मन, मतलब क्यों इतना लोग करते हैं। और द्वारका माई में एक अलग ही तरीके का शांति जो मैंने पहले, मुझे कभी ऐसा नहीं फील हुआ कि ही इज देयर एंड ऑल, बट वो एक अलग ही प्रेजेंस, एक अलग ही मुझे एक अंदर से लगा। एंड उसके बाद में आई स्टार्टेड आई मीन टू से फॉलोइंग हिम, साई सच्चरित पढ़ना शुरू किया। एंड देन मतलब वो एक अलग ही एक्सपीरियंस है। एंड वो, और मैंने आपको बोला भी था ना, मैंने अपने घर में, पूजा घर में जितने भी मैंने गॉड एंड गॉडेसेस रखे हैं, सो मेरे यहाँ मैं हनुमान भगवान को मानती हूँ, तो हनुमान चालीसा तो करती हूँ, भले मतलब ऐसे रूटीन में नहीं हो पाता पर वो करती हूँ, राम रक्षा स्तोत्र करती हूँ। सो इससे मुझे कभी ऐसा लगता है ना अकेलापन, सो आई से गणेश जी तो मेरे भाई हैं, एंड देन आई से साईं बाबा तो मेरे गाइडिंग लाइट हैं, गाइडिंग एंजल हैं। शिवा को मैं बहुत मानती हूँ, ठीक है, तो शिवा भी है मेरे यहाँ, पार्वत के शिवलिंग है जो पापा ने दिए थे मुझे। एक्सपीरियंस समवन कैन फील हु इज गोइंग थ्रू द सेम सिचुएशन, नहीं तो लोगों को समझ में नहीं आएगा, दे वोंट अंडरस्टैंड, बट और वो यस सपना बहुत सिग्निफिकेंट, मेरे को तो बहुत, मतलब तुमने सुनाया तो मेरे को इतना खुशी हो गई, मेरी खुशी हाँ, एकदम दो दिन डबल से पहले। डबल हो गई। हाँ हाँ मे बी ही वाज ट्राइंग, कुछ तो कम्युनिकेट करना चाह रहे थे और एकदम मेरी नींद खुली। एंड मुझे बस मैंने, और मैं खुशी में उठी, मतलब मेरे को ऐसा लगा अरे आज तो मैंने वो फील किया जो शायद मैं आज से 5 6 7 साल पहले करती थी, मतलब वो वाली चीज मुझे फील हुई। वेरी गुड, सो वेरी गुड, बहुत। यस आज ज्यादा सो प्रणाम करना हमारे गाइडिंग लाइट हाँ हाँ साईं बाबा को। यस 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 ऑलवेज आई बिलीव, तो एक नमस्कार तो रोज होता ही है उनको। चलो यस, लेट्स गुड क्लोज टू द टॉक टू थिंग यू, एंड या एंड टुडे यू बाय। आर लुकिंग सो, मतलब ऐसे लग रहा है, ऐसे आप लग रहा है गरबा खेलने जा रहे हो नवरात्रा के लिए, यू आर कंप्लीटली अच्छा लाइक अच्छा आप हाँ, एकदम ये कुर्ता थोड़ा ट्रेडिशनल, चमकीला है ना हाँ इसके लिए। नहीं ट्रेडिशनल लग रहे हो, हाँ एकदम ट्रेडिशनल उसमें लग रहे हो आप। गुड गुड टॉकिंग टू यू अनु, एंड देन हाँ विल चलो, कनेक्ट, हैप्पी नवरात्रा, एंड देन विल हैप्पी कनेक्ट नवरात्रि, अगेन, है ना। चलो बाय। चलो बाय बाय बाय।